둘이죠. 쪼. 예? आइए कि बिल्कुल आज की सत्य बात है, उसी पर ये भजन आधारित है कि जो चीज हमारे दादा परदादा ने देखी वो हमारे पिताजी ने नहीं देखी, और जो चीज हमारे पिताजी देखी समझ लो वो चीज हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि समय ऐसा आ गया है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भजन है। रह जाओगे ढूंढते, रह जाओगे, रह जाओगे ढूंढते, रह जाओगे, और क्या चीज ढूंढते रह जाओगे। अरे अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, सरकार मतलब हम सब, और भगवान हमें यहां का यहां पर ही दिखाएगा। अरे अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। अरे अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, शुद्ध हवा और पीने का पानी और बढ़िया भोजन और लंबी जिंदगानी। देखिए ऐसा माहौल आ गया है कि शुद्ध वातावरण कहीं भी नहीं है भवानी जी, और बढ़िया भोजन के लिए आज भी भली एक बार तो कुछ भी करना पड़े लेकिन फिर भी बढ़िया भोजन हमारे हाथ नहीं लगता है। और भोजन को खा खा के, जैसे मैंने आते ही कहा था कि हमारे माजी जो 70 साल के बेटे हैं, अब 70 के पार कोई जाने वाला नहीं है, और भजन के माध्यम से बता रहा हूं, कोई पहुंचे 50 के पार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे।
40 साल बाद में, 40 साल बाद में हमारे को 50 वर्ष का इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो शुद्ध हवा है ना खाने पीने का सामान सही मिलेगा। और देखिए आगे, दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी घी और साथ ठंडाई, दूध दही और रबड़ी मलाई। पूजा जी नींद मत निकालो, दूध दही और रबड़ी मलाई इतने अच्छे अच्छे आइटमों के नाम आ रहे हैं, पानी तो नहीं आ रहा है मुंह में। और देसी घी और छाछ ठंडाई, क्योंकि शुद्ध देसी घी 800 रुपए के 1000 रुपए भी काटो तो भी नहीं मिलेगा, और ठंडाई तो भवानी जी कोटा से लेकर के आए हैं हमारे। और मिठाई मावे की तैयारी धूप से रह जाओगे, अगली सदी में सरकारी ढूंढते रह जाओगे, देखिए सबसे मुख्य बात आ रही है भजन के अंदर। लाज शर्म से सुकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पर साड़ी, लाज शर्म से सुकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पर साड़ी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही जमाना आ गया है। लाज शर्म से सुकुड़ती नारी और लंबा घूंघट तन पर साड़ी नहीं मिलेगी अपने को थोड़े दिन बाद में, क्योंकि कपड़े चल गए ऐसी वाले, अगर नई जींस की पैंट भी लेने जाएंगे तो फटी हुई चाहिए। लेडीजों को भी अगर सलवार सूट चाहिए तो ऐसी वाला चाहिए, आस्तीन कट वाला। अरे सास ससुर का सत्कार, सास ससुर का सत्कार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकारी ढूंढते रह जाओगे। और क्या कलयुग आ रहा है। काली शादी सगाई,
कन्यादान से होती विदाई, क्योंकि ये फेरों वाली शादी भी खत्म हो रही है, हाथों हाथ कोर्ट मैरिज हो रही है, डॉक्यूमेंट्स तैयार और शादी भी तैयार, तो कहां से देखने को मिलेगी? अरे फेरों वाली शादी गाई, कन्यादान से होती विदाई, घर वाली अलग बाहर वाली अलग, पता भी नहीं चलता है कौन शादी से तैयार कौन कमा रहा है। अरे धूमधाम से बारात, धूमधाम से बारात ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे। नेट चलाने से फुर्सत ही नहीं है, चैटिंग से फुर्सत नहीं है, बाजार से फुर्सत नहीं है, भगवान का जहां कीर्तन होता है उस जगह की हालत क्या होती है आज हमें पता चल रहा है। थोड़ा कैमरा इधर भी घुमा दीजिए, जरूरत ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि तीज त्योहार मंदिर में जाना और करके भजन प्रभु को रिझाना आने वाले समय के अंदर बहुत दुर्लभ होगा। अरे राम नाम का प्रचारी, अरे राम नाम का प्रचारी ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में सनकारी ढूंढते रह जाओगे। प्रचार थोड़ी भक्ति अपन भी कर लेते हैं। अरे नटी बरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। और आई आज का ये आयोजन बड़ा सुंदर मियापुर गांव के अंदर सूरज जी रावत के यहाँ पर रिटायरमेंट का प्रोग्राम है और उसके अंदर बड़ी सुंदर सेवा हल्की हल्की चलती रहे, बड़ी सुंदर सेवा
आज के गायक भाई साहब भवानी जी और मैं खुद स्वयं पवन जी कुमावत केकड़ी से, और ढोलक पे साथ दे रहे हैं मेरा राहुल भैया कोटा से, और बूंदी से कीबोर्ड प्लेयर भाई साहब कालू जी, और पैड प्लेयर मेरे भजन के अंदर अपनी रिदम और झनकार देते हुए भवानी भैया कोटा से, और नृत्यांगना मिस पूजा जी और रीना जी, और आज का ये सुंदर सा साउंड प्रजापति डीजे साउंड ऑपरेटर भाई साहब दिलीप जी और राजू जी सेनी आज के गायक हमारे बीच में हैं, और कैमरामैन सेनी म्यूजिक नसीराबाद से भाई साहब नंद किशोर जी, और कैमरामैन रमेश जी प्रजापति हमारे बीच में है जो आपको यूट्यूब के माध्यम से सारे भजन दिखाएंगे। गंगा गोरी यमुना की धारा, गंगा गोरी यमुना की धारा, पागल समझा समझा के धारा, गंगा यमुना यमुना की धारा, पागल समझा समझा के धारा, और इस कलयुग की बस लास्ट बात यही है, अरे भाई बहनी में प्यारी, क्योंकि भाई बहन का प्यार भी खत्म होता जा रहा है। शादी होने के बाद बीवी जब घर पे आ जाती है तो समझ लो कि सारे रिश्ते नाते खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। हकीकत बात है, बॉसों के साथ में बीत भी रही है। अरे भाई बहन का प्यार ढूंढते रह जाओगे, सदी में सरकार ढूंढते रह जाओगे, सच्ची दरबार की जय हो।